नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है, मैं हूं विपुल सिंह। और जिस बात के लिए लगातार आपको हम लोग अलर्ट कर रहे थे, तमाम एक्सपर्ट भी बोल रहे थे कि बाजार में एक करेक्शन आ सकता है। लंबी अवधि के लिए अगर हैं तो निवेशित रहें, शॉर्ट टर्म में जहां प्रॉफिट मिल रहा है, अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे बुक करते रहना चाहिए। और आज का दिन वो ट्रिगर जो है वो होता हुआ दिखाई दिया, और जिस तरह से बाज़ार में गिरावट अब बढ़ रही है ये निश्चित रूप से थोड़ा सा डरा रही है, क्योंकि 21,647 ये आज निफ्टी खुला, उसके बाद से 21,851 का इंट्राडे हाई भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से जो स्तर देखने को मिले हैं 21,630 का जो है हमने देखा है, थोड़ी देर पहले लो लगा है और उससे 13-14 अंक ऊपर ही बाज़ार कामकाज करता हुआ। तो 22,000 के ऊपर जिस तरीके से बाज़ार ने लेवल को तोड़ा था, उसी मजबूती के साथ अब जो है बाज़ार नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कई बार जो बाज़ार में गिरावट होती है वो करेक्शन जो है वो खरीदारी का एक अच्छा मौका होता है, जिसके बारे में हमारे यहाँ तमाम जो एक्सपर्ट आ रहे हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? कई कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, नतीजों को देखते हुए क्या किसी सेक्टर पर हमको कोई निगाह रखनी चाहिए? HDFC बैंक की वजह से आज हमने बैंकिंग इंडेक्स को बहुत ज़्यादा टूटते हुए देखा और वहाँ पर 3% से ज़्यादा की गिरावट आज देखने को मिल रही है। ऐसे में बैंकिंग शेयरों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इन्हीं सब पहलुओं पर अगले एक घंटे बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। खबरों वाले शेयरों में बजेंगे, स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर इस गिरते बाजार में भी कहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, सकारात्मक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है और आपकी स्ट्रेटजी वहाँ पर क्या होनी चाहिए। वाह, क्या IPO हमें आज मेडियासिस्ट का आखिरी दिन है, तो आपके क्या वाकई में आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, ये भी हम जानेंगे। और आखिर में चुन चुन के में एक खास स्ट्रेटजी को भी डिस्कशन में हम लेकर के आएंगे। तो अगले एक घंटे हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच आप आज के जो खास मेहमान हैं हमारे, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस दिन आप जुड़े हैं हम लोगों के साथ, उस दिन बाज़ार के अंदर तबाही मची हुई है। हालांकि एक तरफा रैली भी देखने को मिली थी, महज 26 सत्रों में 21,000 से 22,000 तक का सफ़र हमने आसानी से तय किया। इस करेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये गिरावट और गहरा सकती है या आप इसे एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं? ओवरऑल कैसे आप बाज़ार के ऊपर आपकी राय? विपुल जी, पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर आप देखें कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, बाजार जिसे कहते हैं उसकी जो चाल हो गई थी थोड़ी डरावनी हो गई थी, एक तरफी तेजी, ये बाजार के सेहत के लिए अच्छा नहीं था। एक करेक्शन आ गया, एक ट्रिगर पॉइंट मिला है और ये एक इवेंट बेस्ड करेक्शन हुआ है। HDFC बैंक के जो नतीजे थे उसमें कुछ निराशाजनक देखने को मिला, उसको लेकर आज जो गिरावट है उसमें आधा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ HDFC बैंक का है। कुछ हद तक मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी भी मानूंगा, लेकिन एक चेतावनी जो ये बाजार दे रहा है, जो मिड कैप स्मॉल कैप जिसे कहते हैं, जिस तरह से ये क्षेत्र बढ़ रहे थे और जिस निवेशक को देखो वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में निवेश करना चाहता था और 100, 200, 300, 500 एक तरफे भाव बढ़ रहे थे, ये एक दिशा दिखा रहा है कि ऐसा नहीं होता। बाजार है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, एक तरफा कभी भी बाजार नहीं चलता। तो मेरे ख्याल से जो हुआ अच्छा हुआ विपुल जी, बाजार की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज आज देखने को मिल रही है। जी, आपने अभी जिक्र किया सर HDFC बैंक के को लेकर के, और आज हम देख रहे हैं काफ़ी ट्रेंड में है। दो तरह की बातें हैं यहाँ पर, एक तो जिनके पास है क्या उन्हें इस पैनिक में जो है बेच करके भाग जाना चाहिए भले ही नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो लोग भी हैं बड़ी संख्या में जो कि इस गिरावट में क्या खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए, क्योंकि आज 7% से ज़्यादा टूटा है, या आपको लगता है कि इस तरह की जब गिरावट आती है तो 2-3 दिन एक्सटेंड होती है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पूरा करेक्शन हो जाए, किन लेवल्स पर एंट्री करना सही रहेगा? 1559-1560 का है लेवल है, क्योंकि आज निश्चित रूप से सवाल इस पर काफ़ी आएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ पहला सवाल ही इस पर डिस्कशन में हम ले आते हैं। एक महीने में करीब 6% के आसपास की गिरावट रही है, हालांकि इसकी चाल वैसे भी सुस्त रही है सर HDFC बैंक की। जिस तरीके के बैंकिंग शेयरों ने प्रदर्शन किया है उस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है और नतीजे भी आकर्षक नहीं रहे हैं। अब HDFC बैंक में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो आज गिरावट हुई है इसमें हो सकता है 1-2 दिन बाजार इसमें और साइडवेज रहे। आज शाम को जब आंकड़े आते हैं, डिलीवरी कितनी हुई है,
किस किस लोगों ने बेचा है, ये सब देखकर रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप सेफ्टी फैक्टर की आप बात करें तो 1520 1530 का एक लेवल बनता है जहाँ पे आप जिसे कहते हैं शांति से ये शेयर खरीद सकते हैं। इस लेवल पर आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है और आपको आने वाले समय में कुछ ना कुछ अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी निवेशित हो तो आज की गिरावट के बाद में इसमें जो पैनिक थी वो काफी हद तक निकल चुकी है, तो इस भाव में 1550-60 में पैनिक करके कोई बेचने की जल्दबाजी न करे, ये मेरी सलाह रहेगी निवेशकों से। ठीक सर, चलिए इस बीच बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न हैं, पहले आप एक एक करके उनका प्रश्न लेते हैं। मोटो जोशी जी कह रहे हैं, विपुल जी कैसे हैं, याद है मेरा सवाल 21,750 के पुट पर मैंने पूछा था और आपने कहा था कि गलत रणनीति है और मैं एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहा हूँ। अभी देखा, मेरे सवाल को हल्के में मत लीजिए। नहीं सर, आप बड़े ट्रेडर हैं भाई, आपने इतने दिन पहले ही भांप लिया था कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आएगी, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। मनबोध कुमार मिश्रा जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर शेयर इनका सवाल है, 224 पे इन्होंने लिए हैं, 40 शेयर इनके पास हैं, कह रहे हैं कि और भी ऐड कर सकते हैं, 12 से 18 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। तो मनबोध जी के बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बैंकों में तो आज थोड़ा सा दबाव ही देखने को मिल रहा है, सारे बैंक टूटे हुए हैं ज़्यादातर। अभी क्या करना चाहिए इन लोगों को, 228 के भाव पर चल रहे हैं, 240 की खरीद है, और भी ऐड करना चाहते हैं। सर, मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा का एक अच्छा खासा सपोर्ट है 220-222 के बीच में। अगर ये शेयर को एक स्टॉप लॉस इससे 2-3 रुपए नीचे 216-217 का एक स्टॉप लॉस रख के ये निवेश करते हैं तो इनको जो ये एक अच्छी खासी यहाँ से रन मिल सकती है। और शेयर में एक इनको एक ध्यान में रखना चाहिए कि 235-36 के ऊपर शेयर में एक फास्टर पेस एक एक मूवमेंट ये शेयर में बन सकता है। तो फिलहाल ये काफी एक रेंज बाउंड मूवमेंट है इस कंपनी में निवेश करने जैसा बनता है। बट ध्यान में रखिए, नतीजे हैं, नतीजे जब सामने होते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रिजल्ट आता है तो एक शार्प मूवमेंट बन सकता है, उसे प्रोटेक्ट करिएगा एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक, तो स्टॉप लॉस के साथ प्रोटेक्ट करने की सलाह है, नतीजों पर नज़र रखने की सलाह है। चलिए इस बीच हमारे साथ कामरान साहब जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। कामरान साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं जलालाबाद से बोल रहा हूँ सर। कारण कामरा, विपुल जी नमस्कार, नमस्कार अरुण सर। जी नमस्कार। हाँ सुन रहे हैं सर, अरुण जी सर। आपको जी बताइए कामरा साहब। हाँ सर। सर मैंने अभी नई नई ट्रेडिंग में ऐसे ही फर्स्ट एंट्री ली है। हेलो, बताइए नमस्कार बताइए सर। सर। सर उसमें ना मैंने जेनेक्स लेबोरेटरी के 1,000 शेयर खरीदे, 21 रुपए के आसपास खरीदे थे, लेकिन कौन सी अब कंपनी बताई सर कंपनी आपने? पे जेनेक्स लेबोरेटरी अच्छा, जेनेक्स लेबोरेटरी। हाँ फार्मा कंपनी है सर। उसपे 20 रुपए 21 रुपए पे मैंने परचेज किए हैं सर। उस पर उसके बाद कंपनी पे ASM2 स्टेज का कोई आ रहा है सर, अब एक बात बताइए मुझे कि आपने नई नई जी ट्रेडिंग सर। शुरू की, तो ऐसे जी शेयरों सर। में क्यों नहीं आपने ढूंढने की कोशिश की जहां अच्छे वॉल्यूम हो, जहां पर लोग भी उनको जानते हो, अच्छे एक्सपर्ट्स पे आप उनसे राय ले सकें? अब जेनेक्स लेबोरेटरी आपने लिया, अब ये ASM में आ गया, अभी आज भी 2% टूटा हुआ है, अभी वैसे आपका नज़रिया आईपीओ क्या में है? 2% सर मैं देख यही पूछना चाहता था। उसको रखने का फायदा है, थोड़ी देर लॉन्ग टाइम रख लूँ अगर पूरे हो जाएंगे, ASM कब तक उस पर हट जाएगा सर सर? ASM कब नॉलेज तक, नहीं थी, कब तक मैंने अभी रहेगा आपका वो तो मैं प्रोग्राम नहीं देखना शुरू बता किया है। पाऊंगा, लेकिन 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 देखिए, आपने एक तो ट्रेड लिया, अच्छी बात है, दूसरा आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये गलत बात है, तीसरा ये सर्किट लगाने वाले शेयर जो एक तरफा सर्किट लगा के ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, उनमें हमेशा एक खतरा बना रहता है, खास तौर से तब जबकि आप नए ट्रेडर हैं अभी। तो चलिए, अब जो मझे हुए खिलाड़ी हैं वो भी कई बार ऐसी गलती कर देते हैं, लेकिन अगर पूछते हैं अरुण जी से क्या सलाह देते हैं वो। सर जेनेक्स लेबोरेटरीज 21 रुपये पे इन्होंने खरीदा है और अभी आज 2% नीचे है, 18 के आसपास चल रहा है, क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? सर मेरे ख्याल से शेयर की कोई बहुत ज़्यादा कोई हिस्ट्री नहीं है। काफ़ी जिसे कहते हैं लो वॉल्यूम का शेयर है और अचानक किसके अंदर में वॉल्यूम के साथ ये शेयर ऊपर या नीचे चला जाता है। इसमें जब भी ये डिसाइड करे कि इनको निकल जाना है
इस शहर से इनको निकल जाना चाहिए। और जो लार्ज कैप की कंपनियां हैं, नए खिलाड़ी हैं बाजार में, अच्छे शेयर जो होते हैं लार्ज कैप, जहां पे एक आपको सेफ्टी फैक्टर बड़ा होता है, ऐसे शेयरों में निवेश कीजिए, जिससे कि आपको शेयर बाजार किस हिसाब से चलता है उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो। ये जो छोटे छोटे मझोले इस टाइप के शेयर है, इसके अंदर में एक तरह का एक मैनिपुलेशन ज्यादा होता है और छोटे निवेशकों को ये लुभा कर उन्हें एक तरह से फंसा देता है। ऐसे शेयर से जितनी जल्दी निकलोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। जी, ऐसी गलती मत क्या कीजिए सर, और इसीलिए इतने सारे कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट आते हैं, आप लोगों को सलाह देते हैं, फिर भी आप लोग अपने पैसे का नुकसान करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। स्वप्ना रेड्डी जी का सवाल ले लेते हैं, करें। नमस्ते विपुल जी। नमस्ते स्वप्ना जी, कैसे हैं आप? करिए, मिधानी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर 432 के भाव पर, और कह रही हैं कि इसका स्टॉप लॉस और टारगेट दे दीजिए। मिधानी यानी कि मिश्रा धातु निगम 432 पे लिए हैं, आज मोमेंटम में है शेयर, और 436-436-50 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज। हालांकि हम मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था सुबह की आखिर में इसमें क्या खबरें हैं कि मतलब इस वजह से रैली देखने को मिली, तो खबर तो मुझे नहीं पता चली, लेकिन हाँ यहाँ पर इस मोमेंटम काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस शेयर के अंदर। पिछले अगर हम बात करें 6 महीने की तो करीब 38% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, और एक साल में शेयर डबल हो गया है। इन्होंने थोड़ा सा अभी लिया है आज के मोमेंटम को प्ले करने के लिए, तो स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रही हैं। हालांकि 4-5 रुपये इनके बन रहे हैं सर, अभी आपकी राय क्या होगी? देखिए, शेयर ने जो ऑल टाइम हाई बनाया है ये करीब 497 के आसपास बनाया है। शेयर में जो मोमेंटम है, जो ये थोड़ा सा एक मोमेंटम पकड़ कर ऊपर जा रहा है, इमीडिएट टारगेट ऑल टाइम हाई जो 500 रुपए से कुछ कम है वो पहला टारगेट बनता है, और वहां पर इसकी इसकी चाल कैसे होती है वो देख कर तय किया जाएगा कि ये ब्रेकआउट करेगा वहां पर या डबल टॉप बनाकर नीचे आ जाएगा। मेरे हिसाब से इनको ये 485-490 के बीच का एक टारगेट ध्यान में रखना चाहिए, और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ एक स्टॉप लॉस रखिए आपकी सेफ्टी के लिए। तो आज के भाव के हिसाब से 10-15 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रख लीजिए और टारगेट 485-490 के बीच का लेकर चलिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सपना जी आपको आपके टारगेट मिल गए होंगे। रजनी जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल जी, क्या सन फ्लैग में न्यू एंट्री ले सकते हैं? सन फ्लैग के ऊपर इनका सवाल है, खरीदारी करना चाह रही हैं। इस गिरते हुए बाजार में भी आज 1.5% के आसपास की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम देखें तो अभी तक शेयर में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, पिछले 6 महीने में 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है, पिछले 5-6 महीनों में एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है। अभी क्या करंट लेवल पर एंट्री ले सकते हैं सर? देखिए, ये जो मेटल स्टॉक्स होते हैं ये काफी वॉलेटाइल रहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें होते हैं, LME में जो कीमत होती है, चाइना क्या करती है, उससे ये स्टील से कनेक्टेड जितने शेयर होते हैं उनमें मूवमेंट होता है। पिछले 2-2.5 महीने में शेयर में एक छोटा सा अप ट्रेंड देखा गया है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि ये शेयर बहुत बड़ा मूव यहाँ से दे सकता है। काफी एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, नया ट्रेंड निकलने में कुछ समय लग सकता है। जब तक ये ट्रेंड नहीं बनता, मेरे ख्याल से ये ट्रेडिंग जोन में ही शेयर रहेगा। चलिए, इस बीच जो है और कुछ एक दर्शक हमारे साथ काफी संख्या में जुड़ रहे हैं, और प्रशांत गुप्ता जी कह रहे हैं, अरुण जी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो वितु राय जी कह रहे हैं, विपुल जी, अरुण जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद दें। सर, आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं, हम तो बस आपको दुआएं दे सकते हैं। वितु राय जी, आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, यही हम चाहेंगे। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है प्रश्न आ रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, अरुण जी, मरीनाइन की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, आपको भी। चलिए, इस बीच MRPL पे जो है प्रश्न लेते हैं। हरविंदर गिल जी कह रहे हैं कि बेंगलोर रिफाइनरी में क्या करें, अब 172 रुपये पे चल रहा है,
बैंगलोर MRPL सर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है MRPL के अंदर, और हमने इसको बजिंग स्टॉक्स में भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। आज 1% के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने के अंदर करीब 35% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है और पिछले 6 महीने में डबल हो चुका है शेयर। अब इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, दो चीज ध्यान में रखिए, MRPL PSU है, सरकारी कंपनी है, और ऑयल ऑयल से कनेक्टेड एक रिफाइनरी है। ये दोनों क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मूव पिछले 6 से 8 महीने में देखने को मिली है। इस शेयर में भी अच्छा खासा मूव मिला है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें और जगह नहीं बचती है, बट ध्यान में रखिए अगले जो 4 महीने हैं, चुनाव के महीने हैं, सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तेल के दाम पेट्रोल पंप पे जो खरीदार है उनको महंगा देना पड़े। तो एक तरह से रेगुलेटेड प्राइसेस हो जाएंगे जिससे कि दबाव न पड़े लोगों के बजट पर। तो जो कुछ भी होना था मेरे हिसाब से बहुत कुछ कैप्चर हो चुका है। अब शायद ये शेयर एक तरह से स्लगिश हो जाए आने वाले समय में। OMC या ऑयल रिफाइनरी कंपनी से थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट करने में फायदेमंद रहेंगे आप। चलिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हूँ। चलिए जरा सद्दाम साहब से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सद्दाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम सर। सर नमस्कार सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे सर नमस्कार सर। अरे सर, आप बस हम ऐसे ही मित्र बन करके रहिए सर। और क्या करते हैं सद्दाम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर, मैं टेलर मास्टर हूँ सर। सर मेरा सवाल ये था सर जी, कि सर मैं टाटा पावर का शेयर 1000 खरीदना चाहते हैं, तो सर अभी अच्छा मौका है खरीदने का या फिर कुछ और भी वेट कर ले सर? टाटा पावर ठीक है, कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं आप? सर मेरा लॉन्ग टाइम का नजरिया है, 2 साल का। 2 साल का नजरिया, खैर 2 साल का नजरिया है तो बिल्कुल जो है मुझे लगता है कि क्योंकि बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी अरुण जी की राय लेते हैं। शेयर में वाकई में काफ़ी दम दिखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, पावर क्षेत्र में ही बल्कि शेयर की क्या बात करें, हमने देखा कि NTPC NHPC सब में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी रैली आ गई यहाँ पर पिछले 6 महीने में सर, 56-57% चला है ये शेयर, अब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन के मोड पर है। 2 साल का नज़रिया है, क्या 350 का भाव कंफर्टेबल है या थोड़ा और नीचे आने का इंतजार करना चाहिए? विपुल जी, इनके लिए मैं एक अलग तरह की रणनीति दूंगा। ये जब 1000 शेयर लेना चाहते हैं, ये आज के थोड़े से नरम बाजार में 250 शेयर ले सकते हैं, और 10-15 दिन के बाद जो मौजूदा भाव हो उस समय उसमें ये थोड़ा निवेश और करें, और ये जो बाकी 500 शेयर हैं ये लगभग 1 महीने के अवधि में ले लें, जिससे कि इनकी कॉस्ट एक तरह से एवरेज हो जाएगी और शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए इनको एक बेटर एडवांटेज टाइम फ्रेम का मिले, जिससे कि इनकी भी तसल्ली हो जाए कि इन्होंने समय भी देखा और निवेश भी किया। इससे जो खुद का कॉन्फिडेंस होता है शेयर में वो अच्छा रहता है, और जहां तक कंपनी का फंडामेंटल्स है वो काफी अच्छे हैं। पावर क्षेत्र में सबको पता है इंडिया में भयंकर डिमांड है, और जितना प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा डिमांड चल रहा है जी। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सर आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। शफीक अंसारी साहब कह रहे हैं नमस्ते फूल जी एंड अरुण सर, शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद, मरी नाइन ऐसे ही मार्गदर्शित करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए, और आप भी नियमित हमारे दर्शक बने रहें यही हमारी कामना है। और इस बीच हमारे साथ एक और दिग्विजय जी जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। दिग्विजय जी नमस्कार। दिग्विजय जी नमस्कार। दिग्विजय जी सुन पा रहे हैं आप? यस सर, नमस्कार सर, मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे सर थैंक यू सर, कहाँ चले गए थे आप, बहुत देर से हम पुकार रहे थे आपको। नहीं सर, मेरे पास सर VST इंडस्ट्रीज के 25 शेयर है सर। अच्छा, 2490 VST इंडस्ट्रीज के शेयर आपने लिए हुए, कब खरीदे हैं सर ये? तो सर अभी काफी लॉस हो रहा है सर, क्या करना चाहिए सर? अच्छा 4290। अच्छा 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 अच्छा, ओके यस सर। अच्छा कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? सर 3 मंथ के लिए।
अब 2-3 महीने का आपका नज़रिया है, आपने भाव जो है जिस भाव पे ख़रीदे हैं उससे काफ़ी नीचे है, 4290 पे लिया है आपने और 3585 का भाव यहाँ पर चल रहा है। पिछले एक महीने में 5-6% के आसपास की रैली देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल शेयर में हमने देखा है कि एक थोड़ी ठंडा ही रहा है जो है, पिछले 6 महीने में 0.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सर क्या करना चाहिए, काफ़ी नुकसान में है, 4290 पे लिया हुआ है, 3585 का भाव देखने को मिल रहा है, तो ठीक ठाक नुकसान इनको हो रहा है, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए सर? VST इंडस्ट्रीज। विपुल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर का इन्होंने नाम लिया। ये शेयर में 1 और 2 जनवरी को 3300-3400 वाला जो शेयर था वो अचानक बढ़कर 4200-4400 हो गया। इस शेयर की ये जो कहते हैं रैली जो हुई 1800 से 900 रुपए की, उसमें इन्होंने शेयर लिया है, उसके बाद शेयर लगातार घट रहा है। मेरा सवाल इनसे ये रहेगा कि आप जिस शेयर को 2 दिन के अंदर में 35% की तेजी आई, आपको ऐसा क्या लगा कि इस शेयर में आप लेकर पैसा और बना लेंगे? निवेशकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो शेयर इस टाइप से बढ़ चुका हो उसमें निवेश करने के पहले 3 बार सोचिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है या आप फंसने की तैयारी कर रहे हो। ये शेयर में काफी समय लगेगा, ये जो एक अचानक रैली हुई 2 दिन की उसके आसपास भाव वापस आने के लिए। अब इस भाव में ये सिर्फ जिसे कहते हैं पेशेंट की तरह वेट कर सकते हैं, समय लगेगा। इनको इस भाव में शेयर बेचने के लिए मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन समय बिताना पड़ेगा जी। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई, इतने चलने के बाद एंट्री मत लिया कीजिए। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करीब अभी 225 से ज़्यादा लोग जो है इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। आप लोग भी अपने मित्रों, भाईजनों, परिवारजनों को या अपने जानने वालों को लिंक फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और वो भी शेयर बाज़ार के प्रति अपनी समझ को बढ़ा सकें और हमारे एक्सपर्ट को सुन करके अपनी रणनीति जो है वो बना सकें। मृत्युंजय जी जुड़ चुके हैं, जरा मृत्युंजय जी से बातचीत कर लेते हैं। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं मृत्युंजय जी आप? सर ठीक हैं सर, आज तो पहली बार लाइफ में दिन में मौका मिला है मेरे को आपका चैनल देखने का, ऐसा तो मैं रात में ही देखता हूँ यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा। और आज थोड़ा मौसम ठंडा था, छुट्टी भी थी, तो सोचा जरा बात भी कर ले। एक्चुअली मेरा सवाल ये था सर, मुझे मैक्रो का IPO आया था, मैक्रो फाइनेंस का। हाँ। IPO में अलॉटमेंट मिला था और मैंने रिसेंटली भी बाई किया है, अभी मेरा एवरेज प्राइस 250 का हो गया है, मेरा 3 से 5 साल का व्यू है, तो मैं जानना चाह रहा था अभी और मैं इसको परचेज कर सकता हूँ या फिर मैं होल्ड करूँ इतना पे। ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं आप? जी सर। हाँ, थोड़े से नुकसान में अभी आप हैं क्योंकि IPO में जो है जिस तरीके से लिस्टिंग हुई उसकी वो थोड़ी सी निराशाजनक हुई। हालांकि इसी कार्यक्रम में हमने वहाँ के IPO में डिस्कशन में भी ये कहा था कि थोड़ा सा महंगा लग रहा है शेयर ये, और उसके बाद से हमने देखा कि दबाव देखने को मिल रहा है। आप और शेयर लेना चाह रहे हैं, 100 शेयर इनके पास हैं सर मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे, आपकी भी हमने आपके साथ भी इस पर चर्चा की थी। अभी क्या करना चाहिए, और ऐड करना चाह रहे हैं, IPO में मिला हुआ है 250 के आसपास का इन्होंने लिया हुआ है और 233 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, तो 16-17 रुपये के आसपास के नुकसान पे हैं, क्या होल्ड कर सकते हैं? विपुल जी, मेरे ख्याल से इस कंपनी के जो नतीजे आएंगे दिसंबर तिमाही के, उसके बाद उनको ये रणनीति लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो इसका जो प्रदर्शन आया था 6 महीने का, अप्रैल से लेके सितंबर का जब कंपनी पब्लिक गई थी, तो अचानक उसके अंदर में एक बहुत बड़ा जंप आया था, जिसको लेकर निवेशक और जो एनालिस्ट होते हैं उन्होंने काफी सवाल कंपनी को पूछे थे। ये स्पष्ट नहीं हो सका था कि ऐसा क्यों हुआ है। अब वो प्रदर्शन ये वापस तीसरे तिमाही में कर पाते हैं कि नहीं, वो देखना चाहिए। और मान लीजिए वो प्रदर्शन कंटिन्यू होता है, तब मैं ये राय दूंगा कि ये निवेश करें, बट रिजल्ट न आने तक इन्हें नया निवेश इस शेयर में नहीं करना चाहिए।
अभी फ्रेश एंट्री और मत ज़्यादा शेयर एवरेजिंग करने की कोशिश मत कीजिए, एक बार नतीजे आ जाएं, नतीजों के कैसे रहते हैं उसको देखिए, नतीजों के बाद कैसा रिएक्शन शेयर प्राइस पे हो रहा है उसको देखते हुए एक बार अपना सवाल आप पूछ लीजिएगा, फिर से आपका सवाल हम ले लेंगे। चलिए इस बीच जो है बबलू राजपूत जी का सवाल लेते हैं। सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग शेयर है। सर ये रेलवे शेयरों में हुआ क्या है, कह रहे हैं अब IRFC में कह रहे हैं कि आज फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए। सर IRFC हो RVNL हो, मतलब पिछले आज मुझे लगता है आज छठा दिन है कि लगातार जो है रेलवे शेयरों में एकदम एक तरीके से आग लगी हुई है। दो दिन से तो हम मतलब जो हमारा कार्यक्रम होता है मनी मास्टर उस पर हम थम भी IRFC के ऊपर ले रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और चूंकि शेयर चल रहा है तो लोग पूछ भी रहे हैं। अब इतना भागने के बाद सर एक महीने के अंदर IRFC जो है 55-56% भाग चुका है, 6 महीने में 350% भाग चुका है। फ्रेश एंट्री लेने की गुंजाइश अभी लग रही है क्या? कुछ दिन पहले हमारे एक एक्सपर्ट आए थे जब 130 के आसपास 32 के आसपास चल रहा था, रवि जी थे डॉक्टर रवि सिंह, उन्होंने कहा था 150 का टारगेट देकर के उन्होंने चुन चुन में इसको शामिल किया था और वाकई में अब तो 150 के आसपास पहुंच ही गया है। अब इस लेवल पे आकर के सर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या, और आपकी पसंदीदा शेयर कौन से होंगे रेलवे के जहां आपको लगता है कि अभी भी अपसाइड बाकी है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं एयरकॉन में भी तेजी है, करीब 0.5% ऊपर है, RVNL 4% ऊपर है, IRFC जो है हम देख रहे हैं कि आज भी मोमेंटम में है, तो रेलवे पे आपकी राय। विपुल जी अगर आप IRFC की बात करें तो इसके जो फंडामेंटल्स है वो अब सपोर्ट नहीं करते इसमें नया निवेश करने का, क्योंकि ये कंपनी का जो काम है ये रेलवे डिपार्टमेंट को पैसा जुटा कर देती है और इसे जो इसके काम करने के लिए जो पैसे मिलते हैं उसमें जो कमीशन होता है या जो स्प्रेड होता है वो कैप्ड होता है, उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है। तो इसकी तरक्की, इसका मुनाफा अगर रेलवे पैसा ज़्यादा जुटाती है तो अवश्य इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसका प्रॉफिट एक सीमित दायरे में ही घूमेगा। जहां तक बाकी रेलवे स्टॉक्स का सवाल आता है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो आपने 3-4-5 कंपनियों की बात की, इसमें फिलहाल एक भेड़ चाल चली हुई है और सब शेयर एक तरफा भाग रहे हैं, लेकिन वो अपने फंडामेंटल से आगे चल चुके हैं। सरकारी कंपनी छोड़कर मेरा जो पसंदीदा शेयर है रेलवे पैक में, वो आप मेरे ख्याल से आपके सभी दर्शकों को पता है, वो है जुपिटर वैगन। और जुपिटर वैगन मेरे ख्याल से पिछले शो पर 340 के आसपास था, आज मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये इसका शेयर 395-400 के आसपास पहुंच चुका है। इस कंपनी में मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडवाइस है और इसके जो टारगेट है 400 से कहीं ज्यादा मुझे लगता है 1.5-2 साल की अवधि से इसमें निवेश कर सकते हैं और इसमें ट्रेडिंग मूव्स अच्छे मिलते हैं शेयर के। ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो जुपिटर वैगन में जो है अभी भी गुंजाइश है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे लक्ष्य जो है देखने को मिल सकते हैं। आज जो हमने देखा कि शुरुआती दौर में यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, अब थोड़ा सा हल्का आया है नीचे, 1% के आसपास की गिरावट, 380-381 का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि आज जो है इंट्राडे लेवल पे जो प्राइस बता रहे हैं करीब 400 के आसपास तक ये शेयर छूता हुआ दिखाई जाता हुआ दिखाई दिया था, तो वहाँ पर लोगों ने 400 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की हुई है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, राकेश साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहू जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं साहू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं MP के दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील से बोल रहा हूँ सर। चलिए मध्य प्रदेश के दामोह जिले से आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। दामोह में लोग देख रहे हैं मनी नाइन, कैसा लग रहा है मनी नाइन के कार्यक्रम उनको? सर दमोह के मैं तहसील से हूँ सर, छोटी सी तहसील से मैं, वहाँ से देख रहा हूँ। आप वहाँ से देख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। ये बताइए कि मनी नाइन के आप अपने मित्रों को बता रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम के बारे में, आपको कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम? सर बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और मतलब आपका शो देखता रहता हूँ मैं। धन्यवाद सर, बताइए प्रश्न क्या है आज का? सर मेरे पास अडानी टोटल गैस के शेयर है 156 के लगभग। अच्छा, किस रेट पे? 1167 रुपए। 1167 पे लिए? अभी आपने जो ये हाल में रैली आई थी उसमें लिए क्या? हाँ उसमें लिए थे, उसके बाद वो प्रॉफिट में था लेकिन फिर क्या मालूम उसने ये न्यूज वगैरह आ गई तो वो फिर से डाउन हो गया है। चलिए आपने थोड़ा सा ऊपर ले लिया, 1168 के आसपास आपने लिया है और
अभी देखें तो थोड़ा सा नुकसान आपको जो है हो रहा है यहाँ पर, और 11 दिसंबर को इसने 1172 का हाई लगाया था और आपने उसी के आसपास ही लिया हुआ है। अब सर नुकसान में आ गए, क्या करना चाहिए अब तो? जब उस समय खबर आई उसके बाद जब चला तो बहुत लोगों ने बिल्कुल टॉप पे जा करके खरीद लिया है, तो अब तो नुकसान में है ही है। अभी इन लेवल्स पे क्या सलाह रहेगी आपकी अदानी टोटल गैस पे? विपुल जी, अगर आप देखें तो अडानी समूह में जो जनवरी में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में जो प्राइस डैमेज देखने को मिला था, उससे उसके सभी कंपनियों में एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। मेरे ख्याल से अडानी टोटल गैस भी जो उस गिरावट से उबरा है, अब धीरे धीरे वापस शेयर संभल रहा है। इन्हें कुछ समय लग सकता है, इनकी जो खरीद एक अच्छी खासी जंप जो आई थी 8-10 दिन का, उसमें इन्होंने निवेश किया है। अक्सर देखा गया है कि जब 5-6 दिन शेयर जोर से बढ़ता है तो ऊंचे के भाव में कई निवेशक फंस जाते हैं, तो इन्हें कुछ समय देना पड़ेगा। शेयर इनका जो खरीद दाम है उसके ऊपर शेयर अवश्य जाएगा। चलिए इस बीच एक और दर्शक से जुड़ते हैं, फिर उसके बाद से फटाफट जो है कुछ एक सवाल जो है YouTube के दर्शकों से भी लेते हैं। तो अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार। वकील साहब जुड़ चुके हैं, वकील अहमद साहब। वकील अहमद साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये सर, HDFC में आज बाइंग करनी चाहिए क्या? HDFC के बारे में पहला ही प्रश्न आज का हमारे कार्यक्रम का था, तो अभी थोड़ा सा आप एक बार पूछ लेते हैं फिर से जो है क्या रणनीति रहेगी। सर पहले आपने उत्तर दे चुके हैं लेकिन अब अहमद साहब ने कॉल की है तो एक बार जरा अपने उत्तर को दोहरा दीजिए आप जरा। देखिए, शेयर के जो नतीजे आए हैं कल, उसके बाद में कुछ जो कहते हैं पैरामीटर्स पे लोगों को कुछ जैसे कहते हैं ये अच्छा नहीं लगा है नतीजा, खास करके जो डिपॉजिट ग्रोथ है कंपनी की उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। मेरे ख्याल से आज अच्छा खासा पैनिक हुआ है, 1-2 दिन शेयर को संभलने दीजिए, उसके बाद अगर आप निवेश करना भी चाहते हैं तो 1-2 दिन और वेट करके फिर डिसाइड कीजिए कि आपको निवेश करना है कि नहीं। तब तक बाजार में जो पैनिक, इतना शार्प रिएक्शन, इतना बड़ा वॉल्यूम, ये सब कुछ शेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, ये रणनीति रहेगी आपके लिए। चलिए अब राजेश चंद्रा जी का सवाल ले लेते हैं। राजेश चंद्रा जी कह रहे हैं कि IEX में शॉर्ट टर्म के लिए क्या फ्रेश एंट्री लेवल ये सही रहेंगे, और आज अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। यूनिवर्सल जो है प्राइसिंग, एक देश में एक बिजली के दाम रहेंगे, इस तरह का बिजली मंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। ये भी कहा गया कि IEX के पास ज़्यादा हिस्सेदारी है, इसको लेकर के तमाम जो है शायद एक और एक्सचेंज खोला जाए, इस तरह की बातें भी हो रही थी। तो इस तमाम खबरों के चलते जो है करीब 8% के आसपास की आज गिरावट है, बुरी तरह टूटा है सर शेयर। क्या एंट्री के लायक है या फिर जहां पर विवाद हो उनसे दूर ही रहना चाहिए? इससे एक अलग रणनीति मैं आपके दर्शक को इसमें बताऊंगा कि जब इस टाइप का विवाद हो तो वही 2-3 दिन का समय दीजिए। अगर मंत्री जी ने जो कहा है उसमें अगर कहने में और समझने में कुछ फर्क हुआ है तो वो भी दूर हो जाता है, और 2-3 दिन के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या वो एक नई कंपनी चाहते हैं जो ये धंधा करे, या उनका मतलब ये था कि साइज बड़ी हो गई है इसके लिए और इसमें प्लेयर्स आए। तो 2-3 दिन का समय दीजिए शेयर को और फिर निवेश करने की रणनीति तय कीजिए। जी चलिए हार्दिक विगात जी से का प्रश्न ले लेते हैं, और कल भी इनका प्रश्न नहीं लिया गया था, बहुत नाराज थे। कह रहे हैं कि AMI ऑर्गेनिक्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, 20 शेयर 1213 के भाव पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या वापस मेरी रेंज में आएगा? अभी AMI ऑर्गेनिक्स का शेयर 1121 के आसपास चल रहा है और इनकी जो खरीद है वो 1213 की है। आज दबाव में है शेयर और ये इस समय परेशान है, 20 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स का जो पैक है, थोड़ा सा पूरा का पूरा शेयर या ये क्षेत्र कुछ दबाव में रहा है। जो रुझान भी जो आए हैं तीसरे तिमाही के,
उसमें एक मिक्स्ड बैग है, कुछ अच्छा कुछ खराब, लेकिन इसमें एक टर्न अराउंड की निशानी दिख रही है स्पेशलिटी केमिकल में। मुझे लगता है 3-4 महीने का समय लग सकता है इनका भाव आने में। इन्होंने काफ़ी ऊंचे स्तर में लिए थे और उसके बाद में लगभग शायद 3 से 4 महीने में एक करेक्टिव मोड में, साइडवेज मोड में कुछ ना कुछ नीचे आया है। तो समय दीजिए, आपका भाव आने में समय लगेगा। जी समय लगेगा। इस ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई। अगर जो वितु राय जी का प्रश्न ले लेते हैं, सुजलॉन पे सर बहुत सवाल आते हैं और सुजलॉन इन्होंने बहुत ऊपर के रेट पे लिया है, लेकिन हाँ इनका नज़रिया करें 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 1000 शेयर इन्होंने लिया हुआ है, 44 के भाव पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। सुजलॉन में अच्छा मोमेंटम जिस तरीके से देखने को मिला, काफ़ी लोगों ने निवेश किया हुआ है। आज 2% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, 2-3 रुपये का इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए सर? नज़रिया कह रहे हैं 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। विपुल जी, जहां तक सुजलॉन का सवाल है, ये जो सेकेंड इनिंग्स सुजलॉन की कंपनी खेल रही है, जब इसका भाव राइट्स इश्यू के टाइम पे सिंगल डिजिट में चला गया था 6-7 रुपए के आसपास, वहां से ये शेयर आप समझ लीजिए 7 गुना बढ़कर अब ये 42 और 45 के रेंज में घूम रहा है। ये एक शेयर मोमेंटम शेयर है, इसमें जो कहते हैं लाखों शेयर का वॉल्यूम होता है और लोग इसे ट्रेडिंग अच्छी क्वांटिटी में अच्छी मात्रा में करते हैं। आपका नजरिया बड़ा लंबा है 10 साल का। मेरे ख्याल से जब 10 साल का नजरिया है तो 2-3-4 रुपए जो गिरावट हुई है, या वैसे देखे तो 8-10% गिरा है, उसे भूल जाइए, निवेशित रहिए, लंबे रेस का घोड़ा है और बार बार शेयर का भाव न देखें।